क्या आप कैट 2021 में नाइंटी फिफ्थ परसेंटायल लाना चाहते हैं और वो भी अगले 25 दिन की तैयारी में गॉइज एंड गर्ल्स आर यू एमिंग फॉर अ परसेंटाइल इन कैट डेज प्रिपरेशन इफ यस ये विथ मी फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अमेजिंग टिप्स which might help you optimize, which might help you maximize your performance in cat 2021 and also help you reach 95th percentile in 25 days. hello and welcome. welcome to this session by pathfinder. my name is manish kane and as i've already told you, this session is all about reaching a 95th percentile with just 25 days preparation and i'm sure many of you might have this question, is it possible? it possible. because this session is not for people who have doubts. this session is for people who are going to try. this session is for people who are going to give their 100% in the next 30 days. because whatever i'm going to say requires each and every percent of you. In the next 30 days, welcome again. But let's understand who this session is not meant for. If you are a 99th percentile or aiming for a 99th percentile, this session is not meant for you. If you've been preparing for CAT for some time and you have been doing well in the mocks, in fact, on the top of the table.

कि अगले 20 25 दिन में क्या करना है तो ये सेशन उसको काम करेगा उसके लिए हेल्प करेगा अगर आप ऐसे हो जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया है बिकॉज़ स्कोर्स मॉक में नहीं आ रहे हैं दिस सेशन इज मेंट फॉर यू सो दिस सेशन इज मेंट फॉर ऑल दोस बेचारा बच्चों हु आर ट्राइंग बट नॉट एबल टू स्कोर और हु गिव अप इन बिटवीन एंड नाउ सडनली दे वांट टू मेक अ लास्ट डिट्स एफर्ट द लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज दिस सेशन माइट हेल्प यू बट बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट अ स्मॉल कमिटमेंट फ्रॉम यू भाई गीता पे हाथ रखे कसम खाने की जरूरत नहीं है किसी की भी कसम खाने की जरूरत नहीं है क्यों किसी और की जान जोखिम में डालना जस्ट मेक अ स्मॉल कमिटमेंट टू योर सेल्फ दैट यू विल बी हंड्रेड परसेंट इनवॉल्व वन हंड्रेड परसेंट इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव डेज On CAT preparation alone, you will give up every other activity. सारे WhatsApp के group छोड़ दो, exit कर दो, सारे social media से हाथ जोड़ लो कुछ दिन के लिए, सारे political, religious लड़ाई झगड़े से हाथ जोड़ लो, 25 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ CAT पे focus करो, follow what I say to the core, it will just help you maximize your performance. तो ये इतनी सी commitment पे आपसे चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहली बात कोई भी चीज शुरू करने से पहले यू शुड नो योर टारगेट्स कई बार क्या होता है हम एम करना तो शुरू कर देते हैं पर हमें टारगेट का आइडिया नहीं होता और हां एनी बडी हु इन कंप्लीटिंग वन रिविजन इन टेन डेज यू आर वेलकम टू जॉइन आवर रिविजन मॉड्यूल इट्स अ टेन डे रिविजन मॉड्यूल एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट व्हाट्सएप रिविजन

तो हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है कैट का पहले ये पता होना चाहिए हिस्टोरिकल डेटा मतलब पिछले तीन चार साल का अगर एवरेज स्कोर निकालोगे तो कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आ रहा है मैं मेरे पास एक पूरा बहुत बड़ा टेबल है बट अभी मैं उस टेबल पे नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड हमें सिंप्लीफाई करना है सिलेक्टिव रहना है हम सिलेक्टिव चीजों पे ध्यान देंगे सबसे पहले ये देखो 99.5 परसेंटाइल ओवरऑल 120 99 ओवरऑल 105 95थ परसेंटाइल ओवरऑल 87 87 मार्क्स पे आप ओवरऑल 95थ परसेंटाइल के आसपास पहुंच रहे हो तो 87 मार्क्स मींस रफली हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू गेस हाउ मेनी क्वेश्चंस राइट अराउंड 30 क्वेश्चंस तो अगर आपने तीस क्वेश्चन सही कर दिए तो मेरे ख्याल से आप नाइन्टी फिफ्थ परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाओगे दो घंटे दो का कैट आई एम श्योर इज अवेयर ऑफ द कैट पैटर्न इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कैट पैटर्न चेक आउट अवर वीडियो ऑन कैट पैटर्न ऑल्सो सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली इज थर्टी सो थर्टी इन टू थ्री गिवस मी नाइनटी अब प्रॉब्लम यह है कि हम सब सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं करते हैं पर इस टेबल को गौर से देखो जस्ट चेक आउट लुक एट दिस टेबल वेरी केयरफुली सी नाइनटी फिफ्थ 35 क्वेश्चंस थर्टी फाइव क्वेश्चन राइट यू गेट 95 नाइनटी परसेंटाइल इन इन फोर्टी क्वेश्चन राइट यू आर गोइंग टू रीच अराउंड नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव सो इफ आई वर यू वॉट वुड बी माई टारगेट अटेम्प एंड टारगेट स्कोर्स थ्री सेक्शन एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करना तीनों section में स्कोर करने के लिए सोचना। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? ये देखो। Verbal ability में 20 अटेम्प्ट करना है डीएलआर में करीब 10 से 12 अटेम्प्ट करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 12 क्वेश्चन करना है पॉसिबल है अगर आप सिस्टमैटिकली अप्रोच करोगे चीजों को तो वर्बल एबिलिटी में आपको सही कितने चाहिए सिर्फ फोर्टीन करेक्ट चाहिए याद रखो वर्बल एबिलिटी में फोर्टी परसेंट जो भी आपका टोटल टारगेट स्कोर है उसका फोर्टी परसेंट वर्बल एबिलिटी में लाना है करीब थर्टी फाइव परसेंट क्वान्ट में लाना है और ट्वेंटी फाइव परसेंट स्कोर आपको डी आई एल आर में लाना है आपका काम हो जाएगा तो अगर आपका टारगेट स्कोर नाइनटी है तो करीब थर्टी सिक्स मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन वर्बल एबिलिटी राइट अराउंड थर्टी मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन क्वांट एंड अराउंड ट्वेंटी मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन डेटा इंटरप्रिटेशन दैट्स इतना आसान है कम टू थिंक ऑफ इट दिस स्कोर इज अराउंड ट्वेंटी अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ टू ट्वेंटी एट विच इज द टोटल स्कोर इन कैप तो क्या किसी एग्जाम में फोर्टी परसेंट भी नहीं आया आपको ऐसा हुआ है कभी तो इस एग्जाम में क्यों हो रहा है हो रहा है क्योंकि आप सिस्टमेटिकली उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो और प्रिपेयर ठीक से नहीं कर रहे हो तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की आता क्या क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में so देखो अरिथमेटिक आता है ज्योमेट्री आ रहा है एल रेगुलरली आ रहा है नंबर्स एंड काउंटिंग आते हैं करीब अग, अगर 26 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 15-16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो कंसेप्ट होंगे वो टेंथ के ऊपर के कंसेप्ट नहीं होंगे क्लास टेंथ के ऊपर के कंसेप्ट नहीं होंगे एंड दैट इज वाई दर इज नथिंग टू वरी नथिंग टू फियर करेक्ट अरिथमेटिक फोर्टी परसेंट जोमेट्री अराउंड ट्वेंटी परसेंट अराउंड ट्वेंटी परसेंट एंड नंबर ट्वेंटी मोटा, -मोटा हिसाब है इतने क्वेश्चन हर साल आपको इन अरिथमेटिक चार दिन दो चार दिन में पूरा रिवाइज करो अरिथमेटिक को चार दिन में कैसे होगा पहला दिन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट उठाओ इसके चालीस पचास क्वेश्चन कर लो द नेक्स्ट डे यू कैन टारगेट एवरेज एंड मिक्सर एंड रेशियो प्रपोर्शन The third and the fourth day, you can look at time and work and time and distance. So that will take care of your arithmetic. The next we focus on geometry now. Geometry means mensuration, geometry, coordinate geometry, trigonometry. very tough formulae ya theorem mat karna. Go for only those theorems which you've learned till class tenth. Don't do Siva's theorem, don't do Ptolemy's theorem. I know there are a lot of YouTube videos which will

तो खुनिक सेक्शन नहीं करना है कॉर्डिनेट जोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में हायर ऑर्डर क्वेश्चन नहीं करना है अगर आपको ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि आइडेंटिटीज पे बेस्ड वेरी टफ क्वेश्चन इन कैट सो गो फॉर बेसिक क्वेश्चन इन द फर्स्ट टू डेज ऑफ ज्योमेट्री एंड डोंट सॉल्व वेरी मेनी टफ क्वेश्चन लुक एट एल्जरा नाउर इज वन क्वेश्चन विच मेनी पीपल आस्कृत कुछ टॉपिक छोड़ दें आई जनरली रिकमेंड लीव अ टॉपिक ओनली इफ यू हैव टू और ओनली इफ यू डोट हैनी चॉइस बिकॉज यू नेवर नो विच टॉपिक विल हैव एन ईजी क्वेश्चन अगर इक्वेश क्वेश्चन आ गया फंक्शन पे इजी क्वेश्चन आ गया

टेक क्लास टेंथ टेक्स्ट बुक उसके ऊपर का कुछ है तो मत करना यह मेरा सिंसियर रिकमेंडेशन है आपको जो क्वॉंटिटेटिव एप्टीट्यूड से थोड़ा सा घबराते हैं बट स्पेंड टू डेज विद एल्जब्रा एंड देन स्पेंड टू डेज विथ नंबर स्पेंड वन एक्स्ट्रा डे थ्री डेज विद एलजब्रा चलेगा बट डोंट ओवर डू नंबर थ्योरी डोंट ओवरडू डू एंड कॉम्बिनेशन यू आर नॉट प्रिपेरिंग फॉर मैथियार्ड यू आर प्रिपेरिंग फॉर कैट वेर देर विल बी अन्सेप्ट एंड देर विल बी एप्लीकेशन ऑफ दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दस दिन इस तरह से आपको स्पेंड कर रहे हैं और अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन आर मॉड्यूल आर टेन डे रिविजन मॉड्यूल इट विल श्योरली प्रोसीड इन एक्सैक्टली

And many of you spend a lot of sleepless sleepless nights because of this section of data interpretation and reasoning. You know, my take on DI and reasoning is keep an open mind and have some amount of faith in your ability. You've passed school, you've passed your graduation. So, I'm sure you have the necessary intelligence. To crack at least one or two caselets. One or two caselets means six, seven questions. So, this is there in everyone. Just believe. You just have to believe in yourself. DILR plays on your mind. You know, there, there is no pattern to DILR as there was a pattern to quantitative aptitude. So, what I have done is I am just listing down kya aata hai or kya nahi hai. And, you know, keeping in mind the last seven, eight years. सो so, टेबल्स पे क्वेश्चन आ रहा है एवरी ईयर देर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन टेबल्स जनरली ऑन सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट्स रेटिंग्स एंड रैंकिंग्स एंड सम मिसलेनियस टेबल्स पे क्वेश्चन आया है ग्राफ्स आते हैं पाए बार और रेडियल ये सबसे कॉमन ग्राफ्स हैं जो पिछले सात आठ साल में दिखे हैं फिर स्पेसिफिक एरियाज पे क्वेश्चन आता है जिसके लिए आप कोई तैयारी नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट क्वेश्चन विल अपियर दैट क्वेश्चन कैन अपियर ऑन सुडोकू वो क्वेश्चन टूर्नामेंट्स पे आ सकता है वो क्वेश्चन चेस बोर्ड पे आ सकता है क्रिप्टारिदम आ सकता है कोडिंग या नेटवर्क पे आ सकता है अब इसकी सिवाय एक बेसिक कॉमन सेंसिकल अप्रोच के आप कोई बहुत ज्यादा तैयारी कर नहीं सकते हो यू नो इफ यू आर नॉट सॉल्विंग और इफ यू आर नॉट इन टू सॉल्विंग जस्ट लीव सच क्वेश्चन सो यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दी स्पेसिफिक एरियाज इन ट्वेंटी फाइव डेज ऑल यू कैन डू इज प्रोबली एक्सपोज यूर सेल्फ टू सॉल्विंग

ये अगेन कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि कोई डेफिनेशन होती है तो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन सो नथिंग एक्सटर्नल नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक एंड बेसिक एबिलिटी टू डील विद टेबल्स एंड ग्राफ्स एंड देन देर कैन बी क्वांट बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन विच अपियर टू बी क्वेश्चन ऑफ डेटा और रीजनिंग बट द यूज कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज और मे बी नंबर थ्योरी और मे बी एवरेज एरिया दैट इज अफियर्ड विद रेगुलर फ्रीक्वेंसी इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट थ्री सेट एंड फोर सेट तो डेटा इंटरप्रिटेशन में इतने एरिया आपको तैयार करने हैं इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है तो इसकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है देखो पहला दिन जस्ट फोकस ऑन टेबल्स सबसे पहले देख लो कि परसेंटेज ग्रोथ पता है कि नहीं एवरेज परसेंटेज ग्रोथ पता है कि नहीं इफ यू नो दीज थिंग्स solve some questions on tables and bar graphs conventional questions because nowhere cat says that they will not ask conventional questions solve around 7 to 8 caselets on the one the first day based on basic tables and basic bar graphs second day move to pie charts and radial graphs again do the same thing solve some 7 8 questions based on them then third day do some reasoning number series blood relations coding decoding directions

सेट थ्योरी बेस्ड रीज़निंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन थ्री सेट एंड फोर सेट अगेन सॉल्व अराउंड सेवन टूट ऑफ इच ऑफ दीज टाइप्स वाई आई एम गिविंग यू अ नंबर इतने क्वेश्चन सोल्व करोगे इतने केसलेट सॉल्व करोगे तो एक फेमिलियरिटी और कंफर्ट डेवलप हो जाएगा और कैट में बिकॉज डी आई एल आर प्लेज ऑन योर माइंड दिस फेमिलियरिटी एंड कंफर्ट इन डेटा इंटरप्रिटेशन विल डू अ लॉट ऑफ गुड टू योर कॉन्फिडेंस देन डे सिक्स टूर्नामेंट्स और गेम्स के आठ दस क्वेश्चन आठ दस केसलेट उठाओ सॉल्व कर लो सो so, क्या ये हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं आराम से हो सकते हैं तीन से चार घंटे में आराम से हो सकते हैं ऐसे ही आपको जो क्वांट में मैंने टारगेट दिया है वो भी तीन से चार घंटे में आराम से हो जाएगा ये करना है सो दिस इज द शेड्यूल फॉर डे सेवन एट नाइन टेन नाइन्थ और टेंथ से लेके डे ट्वेंटी फाइव तक आपको क्या करना है कि हर साल पुराने कैट के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो रोज और दो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट और मैचिंग शेड्यूलिंग के सॉल्व करो बस इतना कर लो डीआईएलआर में क्या करना है आखिरी के पंद्रह बीस पंद्रह सोलह दिन जस्ट सॉल्व टू केसलेट्स ऑफ डीआई फ्रॉम ओल्ड कैट क्वेश्चन एंड सॉल्व टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट और मैचिंग एंड शेड्यूलिंग एक दिन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ले लिया

and see i'm not going into the details of verbal ability around 18 questions 16 to 18 questions on rcs and the remaining questions on para jumbles para summary odd sentences four areas here consistently din para jumbles karlo, dusre din para summary karlo, din odd sentences se so question karlo, ek so once you solve 50 60 questions on a particular topic you get the hang of that particular topic because रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगेन दर इज नो थ्योरी जंबल्स में दर इज हार्डली एनी थ्योरी ओनली एन अप्रोच नॉट थ्योरी सो वॉट यू कैन डू इज डेवलप एन अप्रोच एंड वेन यू सॉल्व फिफ्टी सिक्सटी क्वेश्चन ऑफ वन एरिया वन टॉपिक यू डू डेवलप दैट अप्रोच ऑन योर ओन इट विल हेल्प सो वर्बल एबिलिटी में क्या करना है आपको सी Day 1, para jumbles. Day 2, para summary. Day 3, odd sentences. I am not even asking you to do RCs in the first 3 days. And then, day 4 onwards, you will do a section test every day. That's it. You can't do anything else in verbal ability section in the last 25 days. Ek kam or agar karsak te find out high frequency 500 words. If your vocabulary is not good enough, make sure that you do these 500 words. In the next 25 days, it will just help your cause. So, this briefly outlines your strategy for 10 days, how to revise everything in 10 days. Now, uh, you must be thinking about what after 10 days. You know, these 10 days probably we are getting started, but what to do after these 10 days? So, after these 10 days, I would ask you to do the following things. Find out your areas of strength in quant and do all possible questions that you can in quant in those areas. Do only basic questions in areas which you are not comfortable, probably the questions you solved in the first 10 days, solve them again and again. But if you have some areas of strength in quant, go for those areas, for go for those areas and solve as many questions as you reasonably can. In data interpretation, the strategy is very simple. Solve two old cat questions and solve one or two complex arrangement questions every day. This should cost you probably uh, an hour, hour and a half, maybe two hours. Two hours you will be taking for quant section. Then take one verbal section test every day and analyze it fully again, two hours for this. So this accounts for around six hours. In the remaining time, you can either revise whatever areas are strong. Try to strengthen them because you are not going to win because of your weaknesses. You are going to win because of your strength. So, make sure that if you have areas of strength, strengthen them. Practice hard as much as you can. But make sure you also do the following Solve actual cats of last four years, 2017 onwards. You will get two papers here, two papers here, two papers here, and three papers here. So, on the whole, you will get nine actual cats. Try to solve two to three mock cats. इससे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं तीन चार मॉक कैट जितने मॉक कैट सॉल्व कर सकते हो तीन या चार यू कैन गो फॉर देम एंड ट्राई टू सॉल्व अ कपल ऑफ सेक्शन टेस्ट ऑन क्वांट एंड दैट्स दैट्स ऑल ऑल यू विल हैव टाइम फॉर इन ट्वेंटी अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो यू माइट जस्ट बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस एंड गेट टू दैट मैजिक फिगर ऑफ परसेंटाइल बिकॉज रिमेंबर We need to attempt around 20 in DILR and 12 each, sorry, 20 in verbal and 12 each in DILR and quant. And with this practice, you should be able to achieve these attempts with a fair degree of accuracy. If you have any questions, you are welcome to connect with me on my phone number nine eight two six zero six two four one five. I repeat, my name is Manish. You can just WhatsApp me on this number if you have any queries. Uh, if you want to have a Zoom session with me, you can WhatsApp this number or the number that I have supplied to you before 9343921347. That's all for now. Thank you very much and all the best with your cat preparation. I will have one more video on Cat 2021, especially on what to do a day before cat, or probably a couple of days before cat. So, this ek aur video launga. I'll release this video around 20th of the next month. Thank you very much, all of you.